किसी आंदोलन का नेता प्रणेता जब उसके उनके बीच में से चला जाता है तो वो सारे कार्यकर्ता टूट जाते हैं, वो सारे कार्यकर्ता निराश हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब राजू भाई चले गए, हमारे नेता चले गए, तो अब क्या होगा। ये जो निराश हो गए, इन्हीं लोगों को फिर से जागृत करने के लिए है स्वदेशी संकल्प यात्रा। दोस्तों पिछले 10 साल में हम लोगों को ध्यान में आया 2012 में कि सबसे ज्यादा इस देश में राजू भाई ने अगर लेक्चर दिए होंगे 2007 के बाद में, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य के ऊपर व्याख्यान थे। चेन्नई में राजू भाई ने स्वास्थ्य के ऊपर व्याख्यान दिए। भारत स्वाभिमान से जब उनका जुड़ना हुआ तो उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को बदलने का प्रण जो लिया, 2009 में उन्होंने जो बात की पूरे व्याख्यानों में, वो व्यवस्था परिवर्तन की बात थी। 1995 से जो वो बात करते थे 2002 तक, वो थी विदेशी कंपनी को इस देश से भगा देने की, पेप्सी को कोकोला बंद करने की, पेप्सोडेंट बंद करने की, कोलगेट बंद करने की, हिंदुस्तान लीवर को बंद करके खदेड़ देने की बात करते हैं। मगर उनको समझ में आया 2003 से कि इस देश में तो 100 करोड़ लोग बीमार हैं, मतलब 85 करोड़ लोग, 100 करोड़ की आबादी में से 85 करोड़ लोग बीमार हैं। और आज अगर 130 करोड़ की जनसंख्या, 130 करोड़ 40 लाख की जनसंख्या है, तो इस जनसंख्या में 100 करोड़ लोग आज भी बीमार हैं। ये जब बात उनको पता चली कि पेप्सी कोका कोला कंपनी, ये सब लोग तो 20,000% 15,000% लेकर जाते हैं, मगर ये जो एली लिली, सिबाग आएगी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जैसे लोग तो 35,000% लेकर जा रहे हैं और ये बीमार करके जा रहे हैं, किसी की किडनी खराब कर रहे हैं, किसी का लीवर खराब कर रहे हैं। तो इनको रोकना होगा, इनको लोगों को समझाना होगा। तो राजू भाई ने अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्राम, वाग्भट के इन सूत्रों को लोगों को समझाना शुरू किया। तो 2010 के बाद जब राजू भाई हमारे बीच में नहीं रहे, तो हमको समझ में आया कि सबसे ज्यादा अगर कोई सीडीज खरीद रहा है और कोई सबसे ज्यादा व्याख्यान अगर कोई सुन रहा है, तो वो सबसे ज्यादा व्याख्यान है वो चेन्नई के भाषण, स्वास्थ्य के भाषण। हम लोगों ने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान केंद्रित किया, हम लोगों ने जन जन तक ये सीडीज पहुंचाई, पेन ड्राइव्स पहुंचाए, जो माध्यम से, मतलब व्हाट्सएप का माध्यम हो, फेसबुक का माध्यम हो, या भाषण देने का माध्यम हो, हमारे इस ट्रस्ट ने, राजू भाई के कार्यकर्ताओं ने सेवाग्राम से जन जन तक शिविर लगाए, पूरे देश में शिविर लगाए, सैकड़ों शिविर लगाए गए, लोगों को स्वास्थ्य दिया गया। लोग पानी के नियम पालन कर करके, सुबह उठकर 3 ग्लास पानी पियो, गुड़ गुड़ करके पियो, बैठ कर पियो, ठंडा पानी मत पियो, खाना खाते समय पानी मत पियो, सुबह उठते ही सूर्योदय के 3 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर भोजन कर लो, भोजन बैठ कर करो, चबा चबा कर करो, भोजन को हवा का स्पर्श होना चाहिए। ये छोटे छोटे नियम बताकर राजू भाई ने हजारों लाखों लोगों को जीवन दान दिया। और मुझे लगता है कि उनका एक ही मकसद रहा होगा कि अगर कार्यकर्ता इस देश का जो मैं खड़ा करना चाहता हूं, जो क्रांति की भाषा, क्रांति की बात उनके मन में डालना चाहता हूं, मैं तो उनको जगा कर चला जाऊंगा, मगर मेरा कार्यकर्ता और इस देश का एक नौजवान और सब लोग अगर बीमार होंगे तो कोई भी इस देश की लड़ाई के लिए खड़ा हो नहीं पाएगा। इसलिए उस 85 करोड़ लोगों को, 100 करोड़ लोगों को मुझे फिर से स्वस्थ बनाना पड़ेगा। इसके लिए स्वस्थ के मंत्र हमको देकर चलेंगे। पता चलता है कि 2018 आता है, 2017 आता है, 18 आता है, 2019 आ गया, हम लोगों को ध्यान में आया कि ये शिविर हम लगा रहे हैं, लोग अपनी बीमारियां ठीक करके अपने घर में बैठ गए, लोगों ने अपना फायदा कर लिया, घुटने ठीक कर लिए, हार्ट ठीक कर लिया, डायबिटीज ठीक कर लिया, राजू भाई के भाषणों को ठीक करके, मगर देश के लिए वो नहीं निकले। ये स्वदेशी संकल्प यात्रा है उन स्वस्थ लोगों को फिर से बाहर निकालने, ये स्वदेशी संकल्प यात्रा है राजीव भाई का वो कार्य जो रह गया भारतीय, मैं फिर से इस भारत को भारतीयता के मानस पर खड़ा करना चाहता हूं, उस सपने को फिर से जागृत करने के लिए। ये स्वदेशी संकल्प यात्रा है हम जो आज विदेशी कपड़े फिर से पहनने लगे उनसे फिर से धोती पर और कुर्ते पर आने के लिए। ये स्वदेशी संकल्प यात्रा है फिर से उन 7,32,780 क्रांतिकारी जो डायरेक्ट सही शहीद हुए, उनके सपनों को जो राजू भाई जन जन तक पहुंचाने चाहते थे, उस बात को फिर से लोगों तक पहुंचाने
की संकल्प यात्रा है। दोस्तों ये स्वदेशी संकल्प यात्रा 30 जनवरी 2020 से महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शुरू हुई। पहली सभा राजू भाई की जो समाधि हम लोग बना रहे हैं सेवाग्राम में, कई लोगों ने कहा कि समाधि की क्या जरूरत है, राजू भाई का तो छवि हमारे हृदय के अंदर है। मैं कहता हूं बिल्कुल रखो, मगर जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी का एक केंद्र है कन्याकुमारी में, सब लोगों को पता है कि वहां पर जाकर लोग जाते हैं और स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा लेकर आते हैं। हमने कहा कि इस देश के स्वदेशी के स्तंभ, राष्ट्र नायक, राष्ट्र बंधु राजीव दीक्षित की समाधि यहां बनेगी और वहां से स्वदेशी की प्रेरणा लेकर लोग यहां से जाएंगे। यहां पे शोध केंद्र बनेगा, यहां पे संग्रहालय बनेगा, राजू भाई की जीवनी यहां पर प्रसारित की जाएगी, यहां पे रखी जाएंगी। उस समाधि का कार्य दोस्तों इस 2019 के रात बाबूजी की इच्छा थी कि यहां पर समाधि बननी चाहिए। बाबूजी ने अपने खीसे से 90,000 रुपए इस समाधि के लिए दिए। बोले जब आएगा पैसा दान देंगे, लोग नहीं देंगे उसकी बात छोड़ दो, मैं अपने पास के समाधि पैसे लगाकर समाधि बनाओ। काम शुरू हुआ दोस्तों। ऐसे नहीं कि इस देश में राजू भाई के लिए लोग दान देने के लिए या इस आंदोलन के लिए दान देने के लिए लोग तैयार नहीं है, लोग तैयार हैं, मगर एक रचनात्मक कार्य दिखाना होगा, इस सेवाग्राम से दिखाना होगा। जो विनोबा जी की भूमि रही, जो महात्मा गांधी की भूमि रही, जमनालाल बजाज की भूमि रही, कुमारप्पा की भूमि रही, इस भूमि से राजीव दीक्षित ने अपना काम किया, कर्म भूमि रही राजीव दीक्षित की, उस कर्म भूमि से फिर से राजू भाई के समाधि से ये स्वदेशी यात्रा 30 जनवरी 2020 को शुरू हुई। पहली सभा, दूसरी सभा अमरावती में हुई। हमने अमरावती शहर चुना क्योंकि राजू भाई ने सबसे पहला स्वदेशी संकल्प अगर किसी शहर में दिया था तो वो अमरावती शहर था। वो वही अमरावती शहर था जहां पर कृष्ण भगवान आए, रुक्मिणी को लेकर गए, उस अंबा का आशीर्वाद लेकर गए। राजू भाई ने पहला संकल्प लिया उसी अंबा नगरी से, उसी महाकाली से, महाकाली और उसी अंबा देवी का आशीर्वाद लेकर उन्होंने इस संकल्प की शुरुआत की थी। महेश भवन में उनका कार्यक्रम हुआ था, मैं वहां पर उपस्थित था, मेरे गीतों से ही उनकी उसकी शुरुआत हुई थी। वहां पे सबसे पहले राजू भाई ने एक संकल्प दिलवाया था सब लोगों को खड़े होकर, वो ही संकल्प फिर से याद दिलाने के लिए राजू भाई का कि लोग फिर से सो न जाए एक बार संकल्प लेकर। ये दूसरा राउंड है राजीव दीक्षित जी का कि मैं 10 साल के बाद 20 साल के बाद फिर से आपके शहर आ रहा हूं और मैं आपको फिर से वो संकल्प दिलवाना चाहता हूं, याद दिलवाना चाहता हूं जो आपने छाती पर रखकर सब आज सामने रखकर लिया था। उस अंबा नगरी से दोस्तों इस स्वदेशी संकल्प यात्रा की दूसरी सभा शुरुआत हुई। तीसरी सभा करेली में मध्य प्रदेश में हुई जहां पर 108 कुंडीय यज्ञ शुरू थे, सैकड़ों संत वहां पर उपस्थित थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक संयोग है। राजीव जी कहते थे कि जिस सभा में, जिस कार्य में संत उपस्थित रहते हो वो कार्य को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस 108 कुंडीय यज्ञ में सैकड़ों जितने भी संत वहां पर उपस्थित थे उन्होंने संकल्प लिया कि हम स्वदेशी की इस यात्रा को देश भर में पहुंचाएंगे। YouTube पर उसके वीडियोस उपलब्ध है, मेरे Facebook आईडी पर मदन भाई आप लोग टाइप करेंगे और आपको पता चलेगा कि ये सारे स्वदेशी संकल्प यात्रा की सारी डिटेलिंग उस Facebook के पेज पर है। मदन भाई आप लोग इसको रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको ये सब पता चलेगा। चौथी सभा परभणी में हुई। हमारे कार्यकर्ता पुणे के विजय वरुणकर यहां पर उपस्थित है जिन्होंने कई संस्थाओं को एकत्रित कर उनका एक संगठन बनाया, उन्होंने वहां पर आयोजित किया 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे था। उन्होंने कहा कि मदन भाई आज के बच्चे बिगड़ रहे हैं, आप इस वैलेंटाइन की असलियत समझाने के लिए, इस देश संस्कृति की असलियत समझाने के लिए आइए। मैं वहां पहुंचा क्योंकि बाबूजी कई जगह पर अपनी तबियत के अनुसार, रिजर्वेशन के अनुसार वहां पर पहुंच नहीं पाते हैं, तो जगह जगह पर ये स्वदेशी संकल्प यात्राएं शुरू हो रही हैं। फिर पांचवी सभा जो है वो 40 गांव में हुई।
हमारे कार्यकर्ता जो 40 गांव के सो गए थे उनको जगाकर हम लोग यहां पर पहुंचे हैं। और इसी 40 गांव में जो शहीद हो गए 2003 में, हेमंत शिंदे, नितिन संतोष पाटिल जो छत्तीसगढ़ के हमले में बॉम्ब ब्लास्ट में शहीद हो गए थे, उनके शहीद की प्रतिमा को, मूर्ति को माल्यार्पण करके 40 गांव की सभा शुरू हुई, जहां पर राजू भाई ने 3 भाषण एक स्कूल में दिए थे जो 1953 और 1954 में बनी हुई स्कूल थी, उसी स्कूल के प्रांगण में ये सभा हुई। उसके बाद हम लोग वहां से 19 तारीख को शिवाजी महाराज की जयंती पर अहमदनगर पहुंचे। अहमदनगर में हम लोगों ने एक एक कार्यकर्ता से बात की आमने सामने, फिर शाम को सभा हुई। वहां के 94.4 ने हमारी 6 लाख लोगों तक स्वदेशी संकल्प यात्रा की बात पहुंचाई। बाबूजी का इंटरव्यू हुआ, हमारा इंटरव्यू हुआ, जगह जगह पर ये स्वदेशी संकल्प सभा लोगों तक पहुंच रही। उसके बाद आज दोस्तों ज्ञानेश्वर माउली के इस प्रांगण में, इस महान भूमि पर जहां पर राजू भाई की सभाएं हुई, सचिन भाऊ शिंदे और उनके साथियों ने आयोजित की, मैं तो पहली बार आनंद आ रहा हूं। और जिस तरह से दिलीप भाऊ ने कहा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि आज शिवरात्रि के दिन इतनी भीड़ में हमारे दर्शन हो पाएंगे, ज्ञानेश्वर महाराज जी के समाधि का आशीर्वाद इस स्वदेशी संकल्प सभा को लगेगा, मिलेगा, मगर मैंने पता चला सिर्फ हम 5 लोगों के सिवा वहां पर कोई नहीं था, और हमने अपना माथा टेक कर सिर्फ और सिर्फ एक ही आशीर्वाद इस समाधि से मांगा है दोस्तों, कि राजू भाई भले ही हमारे बीच में नहीं है, मगर राजू भाई की आत्मा हमारे अंदर है, उनके हमारे एक एक कण कण में राजू भाई को समाहित कर दो, और फिर से इस विदेशी कंपनियों के इस भगाने के इस मुहिम को, स्वदेशी संकल्प को लोगों के बीच में डालो, हम फिर से ही आंदोलन चलाएंगे, 4,500 कंपनियां जो इस देश में स्थापित हो चुकी है उनको भगाएंगे। आज 21 फरवरी 2020 को हम आनंदी में खड़े हैं दोस्तों, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं, और उस ट्रंप को भी यकीन दिलाना चाहता हूं। वो ट्रंप बोलता है कि मुझे तो इस देश का, भारत देश का व्यापार और इस देश के लोगों की व्यापार करने की मानसिकता मुझे पसंद नहीं, मगर मैं सिर्फ मोदी के कारण इस भारत में आया हूं। तो आप मोदी को लेकर जाओ, भारत माता। आपको अगर इस देश की मानसिकता पसंद नहीं है तो आप आए क्यों हो इस देश में, इस गुजरात में आपने पैर क्यों रखा, जहां पे गोली मारकर पटेलों को, 5-5 पटेलों को अमेरिका में गोली मार दी, वॉशिंगटन में गोली मार दी, न्यू जर्सी में गोली मार दी, वो पटेल स्वागत कर रहे हैं वहां पर उस ट्रंप का। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हमारे देश के लिए कि इस ट्रंप का आयोजन हम लोग करते हैं, जब इस देश की अमेरिकन कंपनियां, उसी ट्रंप की अमेरिकन कंपनियां इस देश से जो है लाखों और करोड़ रुपए लेकर जा रही है। ये अमेरिका का वही हैंडरसन था जिसने भोपाल गैस हत्याकांड किया था, उसको इसी अमेरिका ने वापस हमारे देश में भेजा नहीं, जब तक उसमें उसका मुकदमा भी चलता रहा, वो 85 साल का होकर मर गया, मगर ये वही ट्रंप और वही राष्ट्रपति थे सब अमेरिका के, जिन लोगों ने उस एंडरसन को इस देश में नहीं भेजा जिसने लाखों लोगों को मार दिया। हम विरोध करते हैं इस ट्रंप का जो बोलता है कि भारत के लोग, भारत के व्यापार करने वाले लोगों की मानसिकता मुझे पसंद नहीं है, मगर मैं सिर्फ मोदी के कारण इस देश में आया हूं। तो दोस्तों ये सिर्फ अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। राजू भाई के साथ में जो षड्यंत्र हुआ उसके लिए भी हम लोग आवाज उठाएंगे, राजू भाई की हर उस हकीकत की, हर हकीकत को सामने आना पड़ेगा। इस देश में एक और चीज चलेगी, एक और यात्रा चलेगी, और उसका नाम होगा इंसाफ यात्रा। जगह जगह पर सभाएं होंगी, और मैं तो अभय भंडारी जैसे वक्ताओं को कहना चाहूंगा कि आप सब लोग आए और राजू भाई के साथ हुए षड्यंत्र को फिर से लोगों के सामने लाए। आज 10-15 लोग सिर्फ जो है वो दिल्ली में खड़े होते हैं, पता नहीं वो किसके एजेंट हैं। वो जब प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं
तो इस षड्यंत्र को निकालने के लिए उन राजू भाई के परिवार के लोगों का भी नाम जोड़ देते कि वो भी इस षड्यंत्र में उपस्थित है राजू भाई को खत्म करने के। क्या कोई भाई अपने भाई को मार सकता है? क्या कोई बाप अपनी बेटे को मरवा सकता है? कोई मां अपने बेटे की मृत्यु चाहती है? कोई नहीं चाहता दोस्तों। मगर एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोग दिल्ली में प्रदर्शन करते, वो एजेंट है, दलाल है, वो नाम डालते हैं अगर राजू भाई के घर के लोगों का, भाई का नाम अगर इस मृत्यु के इस जांच में और षड्यंत्र में डालते हैं तो सबसे बड़े दोषी है, वो खत्म कर देना चाहते हैं इस आंदोलन को इस षड्यंत्र के निकालने के बहाने। अगर वो दोषियों की सिर्फ सजा मानते तो बात होता, अगर वो राजू भाई के परिवार के और उनके कार्यकर्ताओं के नाम भी उस लिस्ट में अगर डालते। सबसे पहला वीडियो था मेरा, मैंने ट्रोल किया था उस हरामदेव को, उस हरामदेव को मैंने कहा था, दो घंटे तक मैंने बोला था पोस्टमार्टम कर दो, बहाने करता रहा, नहीं हुई जांच। आज अगर वो जांच हो जाती तो वो भी दूध का दूध हो जाते और हम भी दूध का पानी कर लेते, सब साफ हो जाता। मैंने उनसे कहा था कि एक दिन आज मैं यहां पर आपको इस 29 नवंबर को पूछ रहा हूं, आपको मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन कि उनकी पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा रहे हो, आगे चल के करोड़ों लोग राजू भाई के फॉलोअर्स आपको पूछेंगे तब आपके पास में कोई जवाब नहीं होगा। और आप राजू भाई को नटवरलाल की संज्ञा देते हो, आप राजू भाई को, राजू भाई के बारे में कहते हो कि मैंने 25 लाख रुपए उनके अंत्येष्टि के लिए खर्च किया, जिसने 2 लाख करोड़ रुपए का आपको मार्केट कैसे कैच करना ये सिखाया, हजारों करोड़ का मालिक कैसे बनना वो सिखाया, स्वदेशी क्या होता है वो सिखाया। आपने खुद कहा था कि स्वदेशी की बात कहने वाला और उनको समझने वाला समझाने वाला अगर कोई है तो मेरा गुरु ही राजीव दीक्षित। आप घूमते रहे राजीव दीक्षित को मिलने के लिए, आप उनके कॉन्टेक्ट लेते रहे कि मैं राजीव दीक्षित को मिलना चाहता हूं, आप जबरदस्ती मिले उनसे और आप आज कहते हो कि मैंने 25 लाख रुपए खर्च किए उनके लिए। अरे धू है आपके ऊपर, हम जांच करवाएंगे राजीव दीक्षित की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस नवंबर में चलेंगे दिल्ली और नारा होगा 1 लाख 1 साथ। तब आप व्यवस्था कर लो इन 1 लाख लोगों की दिल्ली में कि जब वो पहुंचेंगे वहां पे तो आपको जांच करवानी होगी। और हम चाहते हैं कि छोटे मोटे पुलिस की जांचें ना हो, ये भिलाई से जांच हो जो हो रही है वो पुलिस की जांच है। मुझे आप बताइए कि ऑर्डर कब आए राजू भाई के जांच के? तब आए जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, आपकी बीजेपी की सरकार वहां भी थी, तब आपने ऑर्डर क्यों नहीं दिए? देना चाहिए थे उस वक्त, और अच्छे से जांच हो जाती। अब जब वहां पे कांग्रेस की सरकार है आपने जांच के आदेश दिए और उन पुलिस वालों को लगा दिया। हम चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, एक विशेष समिति बनाई जाए और उस विशेष समिति के द्वारा स्पेशल सीबीआई की जांच होगी और राजू भाई के हुए षड्यंत्र के साथ में हम सब लोग खड़े रहेंगे 1 लाख 1 साथ और वो होगी साफ सफा। और हर मंच से हर वक्ता बोले कि राजू भाई के साथ में जो षड्यंत्र हुआ, नहीं तो दोस्तों लोग निराश हो जाएंगे, कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आएगा, वो बोलेगा कि अगर हर क्रांतिकारी के साथ में इसी तरह का षड्यंत्र होगा और उसके साथ ही चुपचाप बैठकर अपनी जीवन जीते रहेंगे, उसके लिए कोई खड़े नहीं होंगे तो दूसरा राजीव दीक्षित इस देश में पैदा नहीं होगा। मैं राजीव जी का प्रिय गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये वो गीत है जो परिभाषा बताता है स्वदेशी की, पंडित बिस्मिल जी ने लिखा हुआ ये गीत। लोग पूछते हैं कि स्वदेशी क्या है, मैं कहता हूं कि कृष्ण ने सबसे पहले स्वदेशी का और स्वराज्य का काम किया। कृष्ण भगवान ने कहा कि 1 भी किलो 1 ग्राम 1 मुट्ठी भर भी यहां से घी मक्खन कोई कंस के पास नहीं जाएगा, मथुरा नहीं भेजूंगा मैं, जो भी बनेगा यहीं पर खपेगा, यही स्वदेशी की बात थी। जो गांव को, जो गांव में बना हो, गांव में खपा हो, गांव को बसाए, वो काम है स्वदेशी, ये कृष्ण भगवान ने कहा। उसके बाद अगर महाराष्ट्र से किसी ने बात की होगी तो शिवाजी महाराज ने की कि स्वराज्य होना चाहिए मेरे इस महाराष्ट्र से, एक नाणा भी, एक सोने की
मुहर भी मैं दिल्ली नहीं भेजूंगा, कोई लगान नहीं जाएगा, कोई टैक्स नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, यहां से एक भी मुगल लेकर नहीं जाएगा, एक सब्जी नहीं जाएगी, एक फल नहीं जाएगा, कोई फसल नहीं जाएगी, कोई कपड़ा नहीं जाएगा। ये महाराज ने कहा और उन्होंने स्वराज्य निर्मित की। स्वराज्य की बात तभी आती है दोस्तों जब मन में स्वदेशी की बात हो। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। माता की जय। भाई अमर रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि उसके बाद में लोकमान्य तिलक ने बात की, महात्मा गांधी ने की, गोवरेकर गुरु जी की जैसे आपने बात की, वो गांव गांव घूमते रहे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी के बाद में अगर किसी ने स्वदेशी की बात करते हुए गांव गांव को चक्कू झकझोर के रख दिया, गांव गांव जाकर जब उनके रिजर्वेशन भी नहीं होते थे, ट्रेन में नीचे पेपर डालकर सोकर राजीव दीक्षित जाते थे, हम साहित्य लेकर उनके साथ जाते थे। एक बार की घटना मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पीसी ने बोला कि आप तो राजीव दीक्षित है, मैं जानता हूं आपको, आपकी आपको मैं, मेरे पास में एक सीट है, मैं आपको देना चाहता हूं, आप नीचे बैठकर मत जाइए, आप क्योंकि आपकी बहुत लंबी जर्नी है और मैं तो धन्य हो गया आपके दर्शन करके, मैंने आपके भाषण सुने हैं। राजू भाई ने कहा भैया जिसका आरएसी होगा, जिसका वेटिंग लिस्ट होगा, उसको वो सीट दे दो, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो पेपर डालकर ही जाऊंगा, मैं किसी के साथ अन्याय सहन नहीं कर सकता। उन्होंने भी पेपर डाला, मैंने भी पेपर डाला और हम आजू बाजू में जाकर सोकर हम लोगों ने वो पूरी रात निकाली। ऐसे विचार रखने वाले, मतलब कि जो इंसान के मन में विचार है वही अपने कर्मों में भी विचार लाए, वो अपने कार्य में विचार लाए, वही राजीव दीक्षित है। ये आंदोलन ना किसी पार्टी का है, ना ही किसी राजनीतिक पक्ष का है, ये निष्पक्ष आंदोलन है। फिर से हमको इस विदेशी कंपनियों को, इन विदेशी कंपनियों को इस देश से भगाना है। हमको फिर से राजू भाई के विचार को लेकर इस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको खड़ा करना है, गौ माता की हत्या को बचाना है, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलना है, इस देश की शिक्षण व्यवस्था को बदलना है, इस देश की न्याय व्यवस्था को बदलना है। जो अंग्रेजों ने 35,735 कानून इस देश पर लाते थे, राज्य स्तरीय और लाखों कानून सेंट्रल लेवल के बनाए थे, उन कानूनों को बदलना है, ये राजू भाई का सपना था, उस 7,32,780 क्रांतिकारियों का सपना था। तो राजू भाई हमेशा कहते थे मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, चट्टान टूट जाए, तूफान घुमड़ के आए, गर मौत भी पुकारे, गर मौत भी पुकारे, तो भी लक्ष्य हो स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, जो हाथ से बना हो या गरीब से लिया हो, जिसमें स्नेह भरा हो, जिसमें स्नेह भरा हो, वह चीज है स्वदेशी। और ये ग्राम स्वराज्य की बात है, ग्राम स्वावलंबन की बात है, कि जो गांव में बना हो, गांव में खपा हो, गांव को बसाए, जो गरीब से लिया हो, जिसमें स्नेह भरा हो, वो चीज है स्वदेशी। तो ये सब व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगली पंक्तियों में मैं आपको बताना चाहता हूं। कर शक्ति का विभाजन, डिसेंट्रलाइजेशन की बात की राजू भाई ने, सेंट्रलाइज हो जाए सब काम और वहां से सब कुछ चले, ये राजू भाई ने कभी नहीं कहा। जगह जगह पर केंद्र बने स्वदेशी के, जगह जगह पर खेतों में स्वदेशी स्तंभ बने, उड़ी स्तंभ से लेकर पहचान होगी हमारी इन स्वदेशी स्तंभ से, कि लोग बोलेंगे अरे स्वदेशी स्तंभ मतलब राजीव दीक्षित के लोग हैं, स्वदेशी को मानने वाले लोग हैं, स्वराज्य को खड़ा करने वाले लोग हैं, देश को फिर से भारतीयता के आधार पर खड़े करने वाले ये लोग हैं, वो दिखाएगा हमारा स्वदेशी स्तंभ। अगली मुहिम है हमारी दोस्तों कि हर गांव में, हर घर में एक स्वदेशी स्तंभ खड़ा करें। कर्शन
वह नीति वो स्वदेशी। आप सब लोग बोलो मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, ओ वे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। दोस्तों 85 साल के उम्र के राजू भाई के पूज्यनीय पिताजी राधेश्याम जी दीक्षित, जिस उम्र में उन्होंने आराम करना चाहिए, हमने नवंबर के बाद में उनको पूछा कि हम ऐसे स्वदेशी संकल्प यात्रा करना चाहते हैं, और जिस तरह से भाई अभय जी ने कहा कि दधीची जी ने अपने हड्डियों को से वज्र बनाया और दानवों का संहार किया, राजू भाई की अस्थि कलश सही में वही दधीची की हड्डियां है और वही दधीची का वज्र है, जिस वज्र से इस पूरे देश में के ये बहुराष्ट्रीय कंपनी रूपी दानव जो हमारे देश की संस्कृति को डे संस्कृति के हिसाब से लाकर खत्म करना चाहते हैं। आज देखिए आप, सबसे पहला डे आया चॉकलेट डे, टेडी बेयर डे, रोज डे, प्रपोज डे, किस डे, हग डे, वैलेंटाइन डे, और अब 28 अक्टूबर को एक और डे आ गया, उसको कहते हैं हॉलोवीन डे। हॉलोवीन डे पूरे यूरोप में मनाने शुरू हो गया, पूरे मेट्रो सिटीज में मनाना शुरू हो गया, कॉलेज कॉलेज में बड़े बड़ी फाइव स्टार सोसाइटीज में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मनाना शुरू हो गया। और क्या है ये हॉलोवीन डे, मैं आपको बताना चाहता हूं। कहीं से यूरोप को पता चल गया कि आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर मरता है, ये भारत का दर्शन था कि आत्मा कभी मरती नहीं शरीर मरता है। उन्होंने कैच कर लिया अपने मोबाइल्स, अपने वीडियोस से, अपनी लेंस से, और पता किया कि कहीं तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है, ये आत्माएं हमको सता रही है, जिनका हम लोगों ने तर्पण नहीं किया, जिनका हम लोगों ने श्राद्ध नहीं किया, जिस जो जिंदा था तब उसकी कोई सेवा नहीं की, 14 साल का हुआ बच्चा तो माँ बाप को छोड़कर निकल गया अपनी रंगरलियों में मस्त, और माँ बाप भी अपनी रंगरलियों में मस्त। इसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रोकने के लिए उन्होंने भूतों के लिए एक दिन मनाना शुरू किया पूरे यूरोप में, उनको खुश करने के लिए, और उसको कहा गया हॉलोवीन डे। तो इस दिन होता क्या है, इस दिन हर कोई कोई चुड़ैल बन के निकलता है, कोई ड्रैकुला बन के निकलता है, और बड़ी बड़ी संस्था है इसका आयोजन करती है, और उनको डॉलर्स, हजारों डॉलर्स पुरस्कार देती है जो सबसे भयंकर भूत होगा। ताली मत बजाओ। पता चलता है कि आपने अगर डरा दिया भूत बनकर तो आप बेस्ट भूत है, बेस्ट ड्रैकुला है, और किसी को अगर हार्ट अटैक आ जाए तो आपको लाखों डॉलर मिलेंगे। और अब ये हमारे देश में आ गया, और वहां पे उस दिन कौन सा मेन्यू बनता है ये मैं आपको बताता हूं। सारा नॉनवेज, खून, क्योंकि ड्रैकुला और भूत तो खून ही पीते हैं, हड्डियां ही खाते हैं। अब ये देश में आ गया, हमारे महानुभाव ने क्या करना शुरू किया मैं आपको बताता हूं। घर में हॉलोवीन डे मनाना शुरू किया, बड़े बड़े जो कद्दू जिसको हम लोग कहते हैं, भोपड़ा जिसको कहते हैं, वो घर पे लगाते हैं, उसको दो आंखें और एक नाक बनाते हैं, घर पे लटका देते हैं। फिर अंदर जो है पिताजी ड्रैकुला बने हैं, मां चुड़ैल बनी है, दादाजी को दूसरा और कोई भयानक भूत बना दिया, बच्चे छोटे छोटे भूत बने हुए, किसके लोथड़े लटक रहे हैं, कोई दांत बाहर निकले हैं, खून बाहर निकला है, और घर में एक मेन्यू बना है। अब हम तो नॉनवेज नहीं खाते, मान लो कोई जैन है और हॉलोवीन डे मना रहा है तो वो तो नहीं खाएगा,
वो क्या कर रहा है? वो गुलाब जामुन बना रहा है, आंखों के आकार के गुलाब जामुन, सफेद आकार का गुलाब जामुन होगा और उसके आजू बाजू में काला होगा आंख की तरह, और चाशनी होगी लाल कलर की खून के जैसी। अभी हमारे देश में शुरू हो गया और फिर से मास्क बिक रहे हैं इस देश में, बैटरी पर चलने वाले हाथ बिक रहे हैं, हमारे मुंबई में बिक रहे हैं। आप वाटर पार्क में जाएंगे कभी तो आप देखेंगे बोरीवली में एक मास्क बिकने का, इस हॉलोवीन डे को मनाने का एक पूरा दुकान चालू कर दिया। अब फिर से इस एक डे के नाम पर इस देश से मास्क बिकेंगे, लोग मनाएंगे और लोग जो है इस यूरोप कंट्री के जो व्यापारी है वो लेकर जाएंगे पैसा इस देश से इसी डे के नाम पर। ये शर्म की बात है हमारे देश के लिए। और कैसे कैसे दिन आ गए हमको बीमारियों के नाम पर डे मनाने लगे। इंटरनेशनल डायबिटीज डे, इंटरनेशनल कैंसर डे, इंटरनेशनल हार्ट डे। अब तो मैं आपको बताऊं, पहले हम लोग जो है ना चलते फिरते टॉयलेट के टॉयलेट हो जाए ऐसे कपड़े पहनते थे, पहले साड़ी पहनती थी, चलते फिरते टॉयलेट थे वो अपनी इज्जत को बचाने के, क्योंकि जगह जगह पर गवर्नमेंट ने एक एक किलोमीटर पर टॉयलेट नहीं बनाए हैं। सबसे ज्यादा अगर बीमारियां बहनों को हो रही है वो पित्त की और आमाशय के कैंसर की हो रही है, और वो क्यों हो रही है? कम पानी पीने से। कम पानी क्यों पीते माता बहने? क्योंकि उनको पता है कि टॉयलेट बने हुए नहीं है और हम लोगों ने जींस और सलवार पहना हुआ है, और जींस पहना है विदेशी कपड़े मेट्रो सिटीज में तो सबसे ज्यादा है, तो हमारी इज्जत कैसे बचेंगी? तो कम पानी पीकर जाओ, तो पित्त से होने वाले पित्त के खड़े और फिर उसके बाद में स्टोन, और ये पित्त का अल्सर, पेट का अल्सर और फिर पेट का कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर, ये सबसे ज्यादा बहनों को हो रहा है कम पानी पीने से। हम लोगों ने ये कपड़े पहनना बंद कर दिए हमारे देश के और बीमारियां लेकर आ गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब इस देश में इंटरनेशनल टॉयलेट डे मनाने लगे हम लोग। इस देश में अगर दिवस परंपरा हम लोगों ने खत्म कर दी, ये दिवस परंपरा हमको फिर से शुरू करनी होगी दोस्तों। और हम अगर राष्ट्रवाद को मानते हैं, राजू भाई कहते थे कि अपने घर से जब भी निकलो, अपनी दहलीज को आप जब भी लांगोगे तो भूल जाना कि आप किस धर्म के हो। आपका धर्म सिर्फ राष्ट्र धर्म होना चाहिए। उस राष्ट्र धर्म को जीने वाले राजीव दीक्षित के इस देश में अगर टॉयलेट डे मनाना हम लोग शुरू करेंगे, डायबिटीज डे मनाना शुरू करेंगे, कैंसर डे मनाना शुरू करेंगे, उस देश में दोस्तों शुरू होना चाहिए इन 7,32,780 शहीदों के दिवस मनाने की परंपरा। तब बच्चों को पता चलेगा कि वो टंट्या भील कौन था जिसकी जयंती 6 जनवरी को होती है। वो टंट्या भील था जो आदिवासियों का नेता था, वो रॉबिन हुड था जिसने 7 साल तक अपने पूरे मध्य प्रदेश और उस एरिया में, आदिवासी एरिया में एक भी अंग्रेज को घुसने नहीं दिया। किसी को नाम नहीं पता लोगों को कि 7,32,000 कौन थे। उनके दिवस मनाने की परंपरा हमको शुरू करनी होगी। हर दिन हम उन लोगों की जयंती मनाएं तो हम लोगों को 365 दिन का साल नहीं लगेगा, हमको 3 साल मिलाकर 1 साल बनाना पड़ेगा इतने लोगों की जयंती मनाने के लिए। आज दोस्तों जिस ट्रंप के लिए भारत सरकार ने 99 करोड़ रुपए खर्च किए, झोपड़ पट्टियां नहीं दिखनी चाहिए इसलिए 11-11, 12-12, 15-15 मीटर की दीवाले खड़ी कर दी। वो ट्रंप आ रहा है इसलिए रोड बनाना शुरू कर दिया। यही अगर गरीबों को ये 99 करोड़ रुपए, मतलब 3 घंटे रुकने वाला है ये ट्रंप इस देश में। गुजरात में जो विजिट है उसकी सिर्फ 3 घंटे की है। हर मिनट के लिए 55 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, हर मिनट के लिए 60 को आप मल्टीप्लाई करें 3 घंटे से 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितने होते हैं? 180 180 गुना 55 लाख करो 99 करोड़ रुपए होते हैं। ये कैलकुलेशन मैंने राजू भाई से सीखा है दोस्तों।
पता चलता है कि हमारे राष्ट्रपति या हमारे प्रधानमंत्री जब यूरोप जाते हैं यात्रा पर, तो उनकी सिक्योरिटी हवाई अड्डे से ही निकाल दी जाती है। उनके लिए कितना रुपया खर्च करते हैं आप, उनका क्या आवभगत होती है? आपने ऐसा क्या कर दिया कि भारत में उसकी आवभगत हो रही है? ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आ रहे हैं? आप सबको ध्यान रखने की जरूरत है। ये ट्रंप किस लिए आया इस देश में, वो क्या साइन करना चाहता है, किस तरह के, एक बार आपने तो एडवांटेज गुजरात करके बहुत सारी कंपनियों को वहां पर लाया, मॉन्सेंटो को लाया आपने, बीटी कपास भेजा और एडवांटेज गुजरात में कितनी तो कंपनियां वहां पे खड़ी कर दी। क्या आप इस भारत को भी एडवांटेज भारत करके खड़ा करना चाहते हैं अमेरिका के सामने? कहीं ये साजिश तो नहीं है आपकी? मेक इन इंडिया के नाम पर करोड़ों हेक्टर जमीन आपने किसानों की छीन ली, समृद्धि मार्ग बनाने के नाम पर आपने वहां पर वेयर हाउसेस बनेंगे इन कंपनियों की जो मेक इन इंडिया आपने लाया। हम चाहते हैं मेक बाय इंडिया, मतलब पूर्ण स्वदेशी। आप मन की बात में कहते हैं कि सिर्फ 2022 तक जो है आप स्वदेशी अपनाओ। क्यों भाई, 2022 तक ही हम स्वदेशी क्यों अपनाएं? हम पूरे जीवन तक स्वदेशी अपनाने का नारा आप मन की बात में क्यों नहीं करते? आज अगर राजू भाई जीवित होते दोस्तों, तो यही बात करते जो मेरे अंदर घुसकर आज कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज यहां पर हम तीनों इस स्वदेशी संकल्प यात्रा को लेकर नहीं जा रहे हैं, राजू भाई खुद हमारे साथ बोल रहे हैं लेके चलो, मुझे लेके चलो, लेके चलो, जागरूक करो इनको। तो हम सब लोग खड़े होंगे अपनी जगह पर, हम एक संकल्प लेंगे, अपनी जगह पर खड़े हो जाए। इस संकल्प के साथ में हम इस स्वदेशी संकल्प यात्रा का और आज की सभा का समापन करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं और आभार मानता हूं आनंदी के सारे कार्यकर्ताओं का और इन सब छोटे बच्चों का कि जो कल के भगत सिंह बनेंगे, चंद्रशेखर आजाद बनेंगे, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और राजीव दीक्षित बनेंगे। उन्होंने इन सब बातों को अपने ध्यान में रखना और फॉलो करना है। अपना हाथ सामने रखेंगे, मैं एक शब्द बोलूंगा, मेरे बाद रिपीट करेंगे। मैं संकल्प करता हूं कि देश की आर्थिक व्यवस्था को सांस्कृतिक अस्मिता को और संप्रभुता को बचाने के लिए मैं अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करूंगा। मेरी जितनी शक्ति है उस शक्ति का उपयोग करके मैं इसी संकल्प को अन्य लोगों को भी प्रेरित करता रहूंगा। मैं बोलूंगा भारत माता की जय, दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।